बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास एट। बेटा कारवान उर्दू बुक से कर ले अपनी। क्लास एट हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको एक कहानी लिखने के लिए दी थी बेटा। जरबुल मिसल थी हमारी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। सफा नंबर 126। बेटा अपनी रफ कॉपीज और पेंसिल्स अपने पास रखें। आप लोगों में से हो सकता है कुछ बच्चों ने वो कहानी लिखी भी हो, जिन्होंने नहीं भी लिखी उनको अब मैं यहाँ पे एक कहानी आपको मैं आज जो है वो आगाज कर रही हूँ आपको एक कहानी सुनाकर। ठीक है बेटा, ये इसी पस मंजर पर ये कहानी है, इसी ज़रबुल मिसल के पस मंजर पर। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। इस ज़रबुल मिसल का मतलब दरअसल ये है कि कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करना चाहे और उसमें जब उसको नुकसान हो जाए तो ऐसे मौके पर जो है वो ये ज़रबुल मिसल जो है वो बोली जाती है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अब देखिए, कहते हैं कि एक बार एक देवता होता है, उसने परिंदों की एक सल्तनत कायम करने का सोचा होता है और वो जो है वो मनादी करवाता है कि फला रोज सब परिंदे हाजिर हों और जो उनमें सबसे हसीन होगा उसे वो बादशाह के तौर पर मुंतखब करेगा उस सल्तनत का। अब होता यह है कि एक काला कौवा होता है, काला स्याह कौवा, उसको बादशाह बनने की बड़ी ख्वाहिश होती है। वो अपने तौर से हंस को खूबसूरत समझता है और उसे खूबसूरत समझकर उसके इधर उधर गिरे हुए पर उठाकर और उसे अपने तमाम बदन पर वो सजा लेता है। मुकर्रा दिन पे जब तमाम परिंदे हाजिर हो जाते हैं तो काला कौवा भी हंस के भेष में आया और फिर खूबसूरत होने की वजह से उसका इंतखाब भी हो गया। परिंदों ने उसकी चाल से फौरन समझ लिया कि ये हंस नहीं है बल्कि ये जो है वो कौवे की चाल है। चुनांचे उन्होंने फौरन उसके सारे पर नोच लिए। ठीक है, बादशाह मुंतखब होने के बाद सब परिंदों ने उसकी चाल से पहचान लिया कि ये कोई हंस नहीं है बल्कि ये तो एक कौवा है और तमाम परिंदों ने मिलकर उसके सारे जो पर थे वो नोच लिए। इसी वजह से जो है वो अपनी असली शक्ल में सबके सामने आ गया। लिहाजा उस वक्त से ये मिसल भी मशहूर हो गई कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इतना चाहेंगे इस कहानी के पस मंजर में कोई दूसरी कहानी तख्लीक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी ऐसा वाकया लिख सकते हैं जब एक शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स की किसी भी खूबी से, किसी भी उसकी अच्छाई से मुतासर होता है और उसकी जो है वो पैरवी करने की बजाय उसकी नकल करने की कोशिश में वो जो है वो अपनी जो है अपनी असल अपनी सलाहियत जो है वो उसको भी वो फरामोश कर देता है। अब यहाँ पे आप जो है वो एक मिसाल के तौर पर आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे हमारे मुल्क में जो है वो अंग्रेजी जबान जो है ना बोलना वो समझने काबिलियत की निशानी समझी जाती है। तो अक्सर लोग जो है वो अंग्रेजी सीख तो लेते हैं लेकिन उसको फिर बोलने के जो है वो उसको बोलने की कोशिश में वो अपना असल जो है अपनी जो कौमी जबान है वो उससे दूर हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इल्म को हासिल करना, इल्म सीखना बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको अपने असल को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अब मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए कहानी लिखना आसान होगा। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि कवायद जो है वो भी हमारा रह गया था, सफा नंबर 124 पे आ जाए। कारवाने उर्दू सफा नंबर 124, पेंसिल अपने हाथों में ले लें क्लास एट। बेटा आप देखिए, कवायद में है ज़ू मायनी अल्फाज। ज़ू मायनी अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनके दो मायनी हो, एक वाजे हो और दूसरा मख्फी हो। मख्फी किसे कहते हैं क्लास एट? क्लास मख्फी मायने से मुराद है छुपा हुआ मायने। ठीक है, जो मीनिंग आपका छुपा हुआ होगा उसको हम कहेंगे कि ये मख्फी मायने है। अब देखिए, लिखने या बोलने वाला इसका वो मख्फी मायने मुराद ले रहा होता है जिसमें तंज या फप्ती होती है। फप्ती का मतलब होता है तंज करना किसी पर। ठीक है, लेकिन वो इस तरह छुपा कर अदा करता है कि चुटकी लेने वाला चुटकी लेने का लुत्फ दोबारा हो जाता है। ज़ैल में चंद ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो लताफत से भरपूर हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, सफा नंबर 125। अब देखिए यहाँ पे लफ्ज है और उसके मख्फी मायने भी दिए गए हैं। लोटा,
अब एक लोटे का तो आप सबको पता ही है, लोटा नाम आते ही हमारे जहन में उसकी शक्ल आ जाती है, ठीक है। अब जबकि दूसरा लोटा एक ऐसा शख्स होता है जो लोटे की तरह कभी किसी के साथ होता है और कभी किसी और के साथ होता है, ठीक है, लोटे की तरह जो लुढ़कता फिरता है, किसी एक जगह पे वो मुस्तकिल तौर पर नहीं रह पाता। इसी तरह है लट्टू, इस्तेमाल जैसे क्या है, किसी पे लट्टू हो जाना, मायने किसी पे फरेख्ता हो जाना। एक लट्टू जो है वो एक खिलौना है, ठीक है। देखिए अब इसकी जो असली मायने है वो आपका नाम लेते ही आपके दिमाग में उनकी शक्ल जो है वो आ जाती है, लेकिन जो मख्फी मायने है वो यहाँ पे हमें वाजह करके दिए हुए हैं। किसी पे लट्टू हो जाने का मतलब है किसी में फरेख्ता। फरेख्ता का क्या मतलब है, किसी की जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना, किसी पे निसार हो जाना, किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना। इसके बाद है चिकना घरा, एक ऐसा शख्स जिसपे किसी बात का असर ना हो, ढील शख्स, ठीक है। ऐसा देखिए चिकना घरा, घरे का मतलब पता है सबको, और अगर वो घरा चिकना होगा तो जाहिर है वो चिकना घरा, लेकिन मख्फी मायने क्या है, ऐसा शख्स जिसपे किसी बात का असर ना हो, वो हरेक की सुने जरूर लेकिन करे वही जो उसको करना हो, ठीक है। इसके बाद है मटका। अब देखिए एक तो मटका होता है और एक किसी की जब तोंद होती है, पेट होता है बहुत ज्यादा, तो हम कहेंगे कि इसका तो मटके के जैसा पेट है। फिर है चमचा, एक चमचा सबको पता है किसे कहते हैं, और दूसरा चमचा किसी अहम शख्स के साथ चलने या इसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला शख्स, ठीक है। एक ऐसा शख्स जो कि दूसरे शख्स की हर चीज में हाँ मिलाए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, तो हम कहेंगे कि ये उसका क्या है, ये उसका चमचा है। उसके बाद है गाय, एक गाय तो है वो जानवर है, ठीक है। गाय वैसे भी बहुत, आप देखेंगे अगर गाय को करीब से उसकी शक्ल देखेंगे तो बहुत मासूम सा जानवर है। और दूसरा इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, अल्लाह मियाँ की गाय, यानी कि बहुत ही सीधा शख्स हो, कोई शख्स बहुत ही मासूम सा सीधा साधा होगा तो हम कहेंगे कि ये शख्स बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय है। अब देखिए इसी से रिलेटेड जो है वो नीचे एक मश्क है हमारे पास, वो हम करेंगे। ज़ू मायनी अल्फाज का इस्तेमाल आमतौर पर मजाहिया तहरीरों में होता है, इनके इस्तेमाल से तहरीर का हुस्न दोबाला हो जाता है और पढ़ने वाला बेसाख्ता फर्क उठता है, ठीक है। अब देखिए ज़ेल में दी गई तहरीर को बगौर पढ़कर वावैन में दिए गए अल्फाज के दोनों मायने लिखिए। अब यहाँ पे आपको नीचे स्पेस है बुक में ही, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मुझे नजर आ रही है, उसी स्पेस में बेटा आप लोग जो है वो अगर स्केल भी है तो मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ले, अगर स्केल नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ हेडिंग्स दे दें, अल्फाज लिखते जाए। यहाँ पे अल्फाज वही लिखेंगे जो कि वावैन में हम तहरीर जब हम पढ़ेंगे तो वावैन में अल्फाज दिए हुए हैं वो अल्फाज लिखेंगे। एक जगह आप लिखेंगे उसका असल मायनी और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे इसका मख्फी मायनी, ठीक है। हमें लफ्ज लिखना है और उसके ज़ू मायनी और आम मायनी दोनों हमें इसके तहरीर करने हैं इनके सामने। मैं तहरीर पढ़ना शुरू कर रही हूँ क्लास 8, अगर दौरान आपको लेक्चर के दौरान या कहीं भी कोई सवाल आ जाए जहन में या कुछ पूछना हो आपको तो बेटा हैंड रेज का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं और आप उससे पूछ सकते हैं अभी लेक्चर के दौरान ही। चले अब देखिए तहरीर मैं शुरू कर रही हूँ पढ़ना। मैं आजकल उस शायर को ढूंढ रहा हूँ जिसके जहन के पाताल का अंदाजा लगाने के लिए उसके दिमाग की खुदाई करनी पड़ेगी ताकि पता तो चले कि वो ऐसी बातें सोचता कैसे है। अब देखिए इसमें पहला इन्वर्टेड कॉमास में जो लफ्ज है वो है पाताल। पाताल का जो वैसे मायने है वो क्या कहते हैं, किसी बहुत ही गहरी जगह को, और यहाँ पे भी इससे मुराद है जहन की वसत, ठीक है। आप इसका लफ्ज पाताल का एक मायने लिखे गहराई और दूसरा लिखे वसत। वसत यहाँ पे सोच की वसत, ठीक है। गहराई तो देखिए पाताल जमीन के नीचे जो गहराई होती है ना उसको हम कहते हैं पाताल। आपने सुना होगा मैं उसे पाताल से भी ढूंढ के निकाल के लेके आऊंगा, मतलब तो जमीन की गहराइयों में भी अगर कोई चीज छुपी होगी तो मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। लेकिन यहाँ पे पाताल से क्या मुराद है, शायर के जहन की गहराई, उसकी सोच की वसत। और दूसरा लफ्ज है खुदाई। अब देखिए खुदाई का वैसे क्या मतलब है, जाहिरी मतलब है खोदना, ठीक है, खोदना लिख दें। और यहाँ पे इससे मुराद है जांचना, ठीक है, खुदाई। और दूसरा ज़ू मायनी लफ्ज लिखिए जांचना। अब देखिए यहाँ पे जो तहरीर लिखने वाला है वो चाह रहे हैं कि एक शायर है उसको वो ढूंढ रहे हैं ताकि उसके जहन की वसत का अंदाजा लगा सके, और इसके लिए वो कहते हैं कि अगर उसके दिमाग को मुझे जांचना भी पड़ेगा तो मुझे, मैं जांचूंगा ताकि मुझे पता चले कि वो ऐसी बातें सोचता कैसे है, ठीक है। अभी तक मैंने दो लफ्ज के मीनिंग बताए हैं आपको। पाताल का मतलब है गहराई और वसत,
इसका जू मायनी मायनी है वुसअत और खुदाई का खोदना और जांचना। उसके बाद आगे है, मैं इसको ढूंढ रहा हूं हालांकि ये काम पुलिस का है जो इसको तलाश करे और थाने के ड्राइंग रूम में जमीन पर बिठाकर या लिटाकर अपने रिवायती तरीके से इसे भरपूर खिराज तहसीन पेश करे जो ऐसे गलीज गाने लिखता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे एनोटेटेड कॉमास में लफ्ज है वो है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का जो है वो जाहिरी तौर पर मायने पता ही है सबको, बैठने का, मेहमानों के बैठने का कमरा। लेकिन यहाँ पे पुलिस के जब थाने के ड्राइंग रूम की बात होगी तो उससे मुराद क्या होगी? तफ्तीशी कमरा, ठीक है, तफ्तीश का कमरा लिखे इसका मीनिंग, जहाँ पे पुलिस जो है वो पूछताछ करती है मुजरिमों से, तफ्तीशी कमरा लिख सकते हैं आप। और दूसरा इसका मायने है खिराज तहसीन। खिराज तहसीन का जो जाहिरी मायनी है वो है तारीफ करना, जबकि यहाँ पे जो है वो इससे मुराद है तंजिया तारीफ है यहाँ पे इससे मुराद, ठीक है। जो जू मायनी मुसन्निफ ने इसमें जो मायनी पेश किया है वो है तंजिया तारीफ, ठीक है। अब देखें किसी को इस तरह से ढूंढना पुलिस का काम है, लेकिन मुसन्निफ कह रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा और पुलिस को हालांकि चाहिए कि वो काम करें और वो अपने तफ्तीशी कमरे में ले जाए ऐसे शायर को, और इनको भरपूर जो है वो तंजिया अंदाज कह रहे हैं कि तारीफ उनकी की जाए। तारीफ से यहाँ पर मुराद मारपीट भी ली जा सकती है, ठीक है, उनको अपने तरीके से, जैसे पुलिस अपने तरीके से किसी से पूछताछ करती है, तो ऐसे तरीके से उन्हें खराज तहसीन पेश करें जो ऐसे गलीज गाने लिखता है। लेकिन महकमा पुलिस ने इन लोगों की खातिर ख्वाह मिजाज कुर्सी के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किया। अब देखिए मिजाज कुर्सी जाहिरी मायने क्या है मिजाज कुर्सी के? खबर लेना, ठीक है, किसी की खबर लेना, और यहाँ पे इससे मुराद है पूछगुछ, जांच पड़ताल, पूछगुछ करना। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि वो एक नजर इस मंजरनामे पर भी डालें। मंजरनामे से क्या मुराद है? तस्वीर। मंजरनामा जो है उसका जाहिरी मायने है तस्वीर, यहाँ पे इससे मुराद है मसला, ठीक है, मसला जो आपका मसला है उससे मुराद है यहाँ पे, कि हुकूमत से गुजारिश है कि वो इस मसले पर भी एक नजर डालें और इससे किले का कमा करने के लिए ठोस कदम उठाएं। किला कमा करने का मतलब है इसका जो है वो जाहिरी मायने में इसका खात्मा है, और यहाँ पे भी इससे मुराद है रोकना, ठीक है, जाहिरी मायने है इसका खात्मा। और पेज नंबर है बेटा 125 पे ये तहरीर थी जो कि मैं आपको बता रही हूं। मैंने सारे अल्फाज के मायने आपको बता दिए हैं, पेज नंबर 125 है बेटा, ठीक है, पेज नंबर 125 पे ये पूरी एक तहरीर थी जिसमें हमें जू मायनी अल्फाज का इस्तेमाल भी लिखना था और मैंने आपको बता दिया है साथ साथ। अब देखिए मैं आखिर पे हूँ, किला कमा करने का मतलब है खात्मा या रोकना, और इसमें जो है वो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्लास एट आपके लिए। पहला लफ्ज था एनोटेटेड कॉमास में पाताल, जिसका जाहिरी मायने था गहराई और जू मायनी मायने था वुसअत। दूसरा लफ्ज था इसका खुदाई, खोदना और जांचना। तीसरा इसका लफ्ज था ड्राइंग रूम, बैठने का कमरा जाहिरी मायने, और जो जू मायनी मायनी है वो है तफ्तीशी कमरा। उसके बाद था खराज तहसीन, तारीफ करना, और जू मायनी है तंजिया तारीफ। फिर है मिजाज कुर्सी, मतलब खबर लेना, पूछगुछ करना। उसके बाद है मंजरनामा, तस्वीर, मसला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तलाकमा, खात्मा और रोकना। ये हो गया है हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसका जो काम रह गया था वो मैंने आपको बता दिया है क्लास एट। अब बेटा निकालिए सफा नंबर है अब आपका 138, सफा नंबर 138 हमदर्दी, सफा नंबर 138 138 हमदर्दी। ये एक इस्लामी तारीखी ड्रामा है, इसका तआरुफ मैं पढ़ रही हूँ, जरा जल्दी से देख लें। और आप लोगों में से ही अगर होगा तो फिर मैं कहूंगी, अगर बेटा आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई रीड करना चाहे तो प्लीज आप लोग रीड कर सकते हैं। अब देखिए तारुफ, सलीबी जंगों का जमाना 11वीं सदी था 13वीं सदी है। सलीब किसे कहते हैं पता है आप लोगों में से किसी को बेटा?
सलीब का मतलब है जो क्रिश्चियन जो हमारे जो है ना क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका जो निशान होता है उसको हम कहते हैं सलीब। ठीक है, ईसाइयों का जो निशान होता है ना वो कहलाता है सलीब। सलीबी जंगों का जमाना 11वीं सदी था, 13वीं सदी है। 1057 ईस्वी तक मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास था। यहाँ यहूदी और ईसाई जायरीन की आमद की भी इजाजत थी। वो यहाँ अपनी अपनी रस्में अदा करते। फिर उन्होंने अपने मुल्कों के अवाम से कहना शुरू कर दिया कि बैतुल मुकद्दस दरअसल हमारी इबादतगाह है, लिहाजा जो फर्द भी बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग में हिस्सा लेगा उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए मुसलमानों यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान जो जंगें लड़ी गई उन्हें सलीबी जंगें कहा जाता है। यहूदियों और ईसाइयों के परचमों पर भी सलीब का निशान देखकर यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया है सलीब का निशान भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है। ठीक है बेटा, सलीब का जो निशान है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अब इसमें देखें सलीब का निशान होता और जंग में जो फौजी आगे आगे चलते उनके हाथों में भी सलीब होती, यही सलीब जो है वो उन फौजियों के हाथों में भी होती थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं आगे पढ़ रही हूँ। मिस्र के फरमानरवा नूरुद्दीन जंगी जंगों की इब्तिदा में मुसलमानों के अमीर लश्कर थे। नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो फौज के सिपा सालार थे आगे आए, कयादत संभाली और अपनी मजबूत ईमानी कुव्वत और बेहतरीन अस्करी सलाहियतों से ये जंग जीत कर बैतुल मुकद्दस को गैर मुस्लिमों के कब्जे से आजाद करा लिया। आइए इस्लामी तारीख के झरोके से एक खूबसूरत ड्रामा पढ़ें। ठीक है, अब ये हमारा ड्रामा शुरू हो रहा है। ड्रामा आपको पता ना बेटा पस मंजर भी होता है उसमें, और पहला मंजर दूसरा मंजर। देखिए सलीबी जंगों का जमाना किरदार है सबसे पहले से हमारे पास। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो मुसलमान फौज के सिपा सालार थे उनके जमाने का ये ड्रामा है। रिचर्ड ईसाई फौज का सिपा सालार था, एक ईसाई औरत है, अजनबी खरीदार एक मुसाफिर है। ठीक है, दो सिपाही हैं, मुखबिर है, बच्चा है, एक शीरख्वार बच्चा। शीरख्वार किसे कहते हैं? क्लास 8 शीरख्वार बच्चा बेटा वो बच्चा होता है जो दूध पीता, मतलब बहुत ही छोटा बच्चा। शीर जो है वो कहते हैं दूध को। ठीक है बेटा, शीर कहते हैं दूध को, तो शीर पार बच्चा से मुराद है शीर दूध पीता बच्चा। देखिए पहला मंजर, रिचर्ड का खेमा। रात गहरी हो चुकी है, रिचर्ड अपने खेमे में तन्हा है। उसके सामने मेज पर किसी मुल्क का नक्शा पड़ा है और करीब ही एक चिराग जगमगा रहा है। रिचर्ड नक्शे पर गौर कर रहा है, अचानक खेमे का पर्दा उठाकर एक ईसाई औरत इंतहाई उजरत में दाखिल होती है। औरत बिलबिलाते हुए, माय लॉर्ड रहम फरमाइए, मैं बहुत मजबूर और दुखी औरत हूँ, मेरी मदद फरमाइए। रिचर्ड लावाली अंदाज से, क्या हुआ है, तुम पर किसने जुल्म किया है? औरत हाथ जोड़ते हुए, रिचर्ड मैं एक ईसाई औरत हूँ, यहाँ से कुछ दूर मेरा खेमा है, मेरा शोहर भी ईसाई फौजी है। पेज नंबर 139 पे थी मैं ये, अब सफा नंबर 140 पे है इस वक्त हम लोग, और मैं चाहूंगी कि आप लोगों में से कोई रीड करे। अब इसे कौन करेगा बेटा रीड? मैं खुद नेम लूं या आप लोग बताएंगे? चलिए फैसल आप पढ़िए, फैसल बेटा आप पढ़िए बेटा। एक्सक्यूज मी मिस। जी नुमान, मैंने आपसे पूछना था कि आपने चैप्टर नंबर 8 और 9 करवाए हैं। चैप्टर के नेम्स बताएं मुझे, 8 और 9 ना बताएं आप। कहानी का नाम पूछ लें। मुसद्दस मदो जज़्ज़े इस्लाम, जी बिल्कुल करवाया, और खुश खलकी भी करवाया, दोनों चैप्टर्स करवाए बेटा। ये आपको असाइनमेंट्स में दिए थे मैंने। नुमान आप ही रीड कर लें, फिर मैं फैसल से करवाऊं। सफा नंबर 140 से बेटा पढ़ना शुरू कीजिए। रिचर्ड आगे बोलो, औरत रोते हुए, एक चोर हमारे खेमे में घुस आया और मेरे शेर को हर बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। रहम कीजिए, मेरी मदद कीजिए रिचर्ड, कुछ सोच कर, मुझे तुमसे हमदर्दी है मगर मैं इस सिलसिले पर तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ। तुम ऐसा करो, सलाहुद्दीन के पास जाओ, वो
हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद करे। औरत यह बात सुन कर मेरा खैमे से निकल जाती है। दूसरा मंजर ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फैसल आप पढ़ेंगे। कौन कौन है बेटा? फैसल है, अलीना आप भी नजर आ रही हैं मुझे, फातिमा है बेटा, कोई भी पढ़े आप लोगों में से, कौन पढ़ेगा? जी फैसल पढ़िए, फैसल के बाद अलीना आपकी रीडिंग करनी है। चले फैसल पढ़िए। बेटा दूसरा मंजर, अटेंटिव रहे फैसल। दूसरा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खैमा। सुल्तान नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं, औरत खैमे में दाखिल होती है और सुल्तान को इबादत में मसरूफ देखकर चुपचाप एक कोने में खड़ी हो जाती है। सुल्तान सलाम फेर कर औरत को बैठने का इशारा करते हैं और घंटों के बल बैठे घुटनों बेटा घुटनों के बल बैठे हुए की किराए कहती है, मेरे साथ इंसाफ कीजिए, एक प्यारा माँ को इसके बच्चे से मिला दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैन मार। ठीक है फैसल, बस ठीक है बेटा, वेरी गुड। चल आगे कौन पढ़ेगा? अलीना आप पढ़ेंगी? अलीना फहद, यस टीचर। जी पढ़िए बेटा, आगे पढ़िए अलीना, पेज नंबर 141 से रीड कीजिए। यस। सुल्तान सलाहुद्दीन, आ रही आवाज मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है अलीना, पढ़िए आप। जाए नमाज से उठकर औरत के सर पर दस्ते शफकत रख कर आप इत्मीनान से यहाँ कुर्सी पर तशरीफ रखिए। कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं और पानी का ग्लास औरत की तरफ बढ़ाते हैं। औरत पानी पीकर, सुल्तान मैं एक ईसाई फौजी की बीवी हूँ, मेरा शौहर महाज पर है, करीब ही हमारा खेमा है, आधी रात को एक चोर मुझसे मेरा बच्चा छीन कर फरार हो गया है। मैं उस वक्त से अपने बच्चे के लिए बेचैन हूँ, न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा, न जाने किस हाल में होगा। औरत बिलक बिलक कर रोने लगती है। सुल्तान सलाहुद्दीन नहायत बावकार अंदाज में, मुहतरम खातून मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपने बच्चे से मिलेंगी। दो सिपाही हाजिर होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन सिपाहियों से मुखातिब होकर, देखो साथियों, इन खातून का बच्चा कोई चोर चुरा कर ले गया है, फौरी तौर पर बच्चे की वापसी का बंदोबस्त। सिपाही आदाब बचाकर खेमे से बाहर जाते हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन पढ़ेगा बेटा? फातिमा आप पढ़ेंगी? तीसरा मंजर फातिमा। यस टीचर। तीसरा जी पढ़िए। तीसरा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन का खेमा। सिपाही अपने हमरा एक अजनबी को लिए खेमे में दाखिल होते हैं। अजनबी की गोद में एक शीरख्वार बच्चा है। सिपाही नंबर एक, हजूर ये रहा इस ईसाई खातून का बच्चा। सुल्तान सलाहुद्दीन अजनबी से मुखातिब होकर, तो तुमने इस औरत का बच्चा चुराया है? सिपाही नंबर दो, नहीं हजूर, हमने पूरी तफ्तीश कर ली है, ये चोर नहीं है, बल्कि चोर ने इसे 5,000 दरहम में ये बच्चा बेचा है। सुल्तान सलाहुद्दीन, ठीक है, बच्चा इसे लेकर माँ के पास पहुंचा दो और इसे 5,000 के बजाय 10,000 दरहम दे दो। अजनबी दुआया अंदाज में, हजूर का इकबाल बुलंद हो, थैली लेकर चला जाता है। चौथा मंजर रिचर्ड का खेमा। मुखबर, रिचर्ड सुल्तान ने इस औरत का बच्चा इसे दिलवा दिया है, इसके लिए माल आराम किसी चीज की परवाह ना की, हालांकि इन्हें इल्म था कि वो औरत एक फ्रंगन है। रिचर्ड बात सुनकर सोच में डूबे हुए लहजे में, जिन लोगों के पास ऐसी इखलाकी कुव्वत मौजूद है इनसे लड़ना खुदकुशी करने के मुतादिफ है, पर्दा करता है। वेरी गुड। अब देखिए क्लास 8 आप लोगों ने क्या सीखा बेटा, इससे क्या लेसन आपने हासिल किया, क्या सबक आपने हासिल किया, कोई बताएगा आप लोगों में से? अब देखिए सुल्तान जी बेटा बोले, बेटा मैम्मा बताइए क्या सबक सीखा आपने? हमने ये सबक सीखा कि हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। बिल्कुल, हर किसी की मदद करनी चाहिए बिना किसी तफरीक के, बिना किसी मजहब की तफरीक के बेटा।
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो थे वो एक मुसलमान सिपह सालार थे, ठीक है। तो मुसलमान सिपह सालार होने की उन्होंने ये नहीं सोचा, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास जब एक मुसलमान एक ईसाई औरत जो है वो अपनी फरियाद लेकर आई, तो सुल्तान ने ये नहीं सोचा कि ये तो ईसाई औरत है, मैं क्यों इसकी मदद करूं, बल्कि उन्होंने मजहब की तफरीक के बगैर उस औरत की मदद की। बेटा प्लीज अपने आप को आप खुद आंसर देने के बाद अनम्यूट कर लें, ठीक है बेटा, आप लोग खुद अपने आप को अनम्यूट कर लें आंसर देने के बाद। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि औरत को उसका बच्चा भी मिल गया, उसको इंसाफ भी मिल गया, और रिचर्ड ने जब उसके मुखबिर ने उसे बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस तरह उस औरत को इंसाफ दिलवाया, तो रिचर्ड ने क्या कहा, हालांकि वो हालत जंग में थे उस वक्त, वो लोग जंग लड़ रहे थे, उसके बावजूद रिचर्ड ने क्या कहा कि जिन लोगों के पास ऐसी अखलाकी कुव्वत, देखिए ये अखलाक है ना आपके, आपका ये अखलाक में शुमार होता है कि आप जो है वो जब किसी की मदद कर रहे हो तो आप ये ना सोचिए कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, आया वो मेरा हम मजहब है या नहीं, बल्कि इंसान होने की हैसियत से आपको उसकी मदद करनी है। तो यही चीज जो है इसमें बताई गई है कि रिचर्ड ने जब ये सुना तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जिनके पास ऐसी कुव्वत मौजूद हो इनसे लड़ना खुदकुशी करने के बराबर है, खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। बेटा जब आपको मैं रीडिंग के लिए या क्वेश्चन आपको पूछता हूँ तो आपने खुद अपने आप को बेटा अनम्यूट करना है, ठीक है, और वन बाय वन करना है, ठीक है। आपने खुद इस चीज का बेटा क्लास 8 में आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा आपने डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, वन बाय वन आपने बोलना है, खुद आपने म्यूट और अनम्यूट बोल रहे हैं तब आप अनम्यूट कर लें, आफ्टर आपने अपनी बात कर ली है, रीडिंग कर ली है, तो आप खुद जो है वो म्यूट हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद अब देखें इसमें बज़ाहिर देखेंगे ना आप लोग क्लास 8 तो इसमें आपको सवालात नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके कुछ सवालात लिखवाऊंगी, ठीक है बेटा। रफ कॉपी पेंसिल आपके हाथ में है, पहला सवाल लिखें इसका। सरगर्मियां जो है उसमें सिर्फ आपको एक किरदार निकाल दी गई है, वो हम बाद में करेंगे, जुमले आपके होमवर्क है, और इस वक्त जो है मैं आपको सवालात खुद करवा रही हूँ। आप पहला सवाल लिखें इसका, मैदान जंग में सवाल जवाब की हेडिंग दें और लिखें मैदान जंग में मैदान जंग में किन अफवाज के सिपा सालारों के खेमे थे, मैदान जंग में किन अफवाज के सिपा सालारों के खेमे थे, मैदान जंग में किन अफवाज के सिपा सालारों के खेमे थे। जवाब लिखे इसका, जवाब आप लोगों को आता होगा बेटा, बताएं आप लोगों में से कोई बताए कि ना फाज के सिपा सालारों के खेमे थे क्लास 8। टीचर मुसलमान अफवाज के खेमे थे और ईसाई। जी बिल्कुल, मैदान जंग में मुसलमानों और ईसाई सिपा सालारों के खेमे थे, बस यही होगा इसका आंसर। टीचर एक बार दोबारा रिपीट कर दे प्लीज। बेटा मैदान जंग में मुसलमानों और ईसाई सिपा सालारों के खेमे थे। यस मिस, हो गया। सवाल नंबर 2 लिखिए, औरत का क्या मसला था और वो उसे सबसे पहले किसके पास लेकर गई, औरत का क्या मसला था और वो उसे सबसे पहले किसके पास लेकर गई।
औरत का क्या मसला था और उसे सबसे पहले किसके पास लेकर गई? चलिए इसका आंसर कौन बताएगा? Can I tell? जी बताएं, कोई भी कौन बताएगा? फातिमा आप बता दें, आपने पहला बताया था वैसे। चलिए नुमान आप बता दें। औरत का बच्चा रात को किचो और उठा कर ले गया और वो सबसे पहले रिचर्ड के खेमे में आई। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लिखे मैं दिखा रही हूँ। औरत का मसला ये था कि उसका उसका शीरख्वार बच्चा एक चोर उठा कर ले गया था, एक चोर उठा कर ले गया था और वो अपना ये मसला सबसे पहले ईसाई फौज के सिपहसालार रिचर्ड के पास लेकर गई थी। हमें थोड़ा सा इसमें डिटेल में भी लिखना होगा। ईसाई फौज के सिपहसालार रिचर्ड के पास लेकर गई थी। ठीक है, अब सवाल नंबर तीन है। औरत को किसने उसका बच्चा वापस करवाया? जी क्या होगा इसका आंसर? मिस रिचर्ड और सुल्तान ने। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। जी लिखे औरत को उसका बच्चा मुसलमान फौज के सिपहसालार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दिलवाया। इसके बाद लिखे नेक्स्ट सवाल है आपका। Yes. जी सवाल नंबर चार। जी बेटा एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है आपने से किसी को? Yes, teacher. जी बोलिए फातिमा। टीचर ये आपने जो लास्ट चैप्टर करवाया उसमें कव्वा उसमें जो जो मायनी और मक्फी मायनी अल्फाज तो उसमें मंजरनामे का जो मायनी क्या होगा? मंजरनामे का जो ज़ूम आईनी है ना बेटा, मंजरनामे का जो दरअसल इसका जो मीनिंग है वो है तस्वीर। ठीक है, मंजरनामे का जो जाहिरी मीनिंग है वो है तस्वीर और ज़ूम आईनी है मसला। मीम सीन हमजा नाम और है मसला, प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम है मसला है, वो है इसका ज़ूम आईनी। ठीक है, और मक्फी मायनी ज़ूम आईनी और मक्फी मायनी एक ही को कहते हैं बेटा। जाहिरी मीनिंग होंगे एक आपके और दूसरे जो होंगे ना मख्फी मायने होंगे। ज़ूम आईनी और मख्फी मायने का एक ही मतलब है। ठीक है बेटा, एक होगा लफ्ज़। जी बेटा बोलिए। मिस मैंने भी आपसे ये सवाल पूछना कि खराज तहसील से मतलब होगा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, फैसल फिर से रिपीट कीजिए। मिस खराज तहसील, खराज तहसील का जो जाहिरी मीनिंग है ना बेटा वो है तारीफ। ठीक है, खराज तहसील का जाहिरी मीनिंग है तारीफ करना और मख्फी या ज़ूम आईनी दोनों एक ही हैं। मख्फी को ही ज़ूम आईनी कहते हैं, वो मीनिंग है इसका तंजिया तारीफ। तौए नून ज़े ये और है तंजिया तारीफ। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर चार। जी बेटा जी मैं यही पूछने लगी थी कि क्वेश्चन नंबर फोर करवा लिए। हाँ जी, सवाल नंबर चार और पांच अभी इसके रहते हैं। सवाल नंबर चार लिखे, रिचर्ड ने मुखबिर की बात सुनकर क्या कहा? रिचर्ड ने मुखबिर की बात सुनकर क्या कहा? बहुत आसान है इसका भी आंसर। रिचर्ड ने मुखबिर की बात सुनकर कहा कि जिन लोगों के पास ऐसी अखलाकी कुव्वत मौजूद है उनसे लड़ना खुदकशी के मुतरादिफ है। ये चाहे तो आप मार्क भी कर सकते हैं, सफा नंबर 142 पे है ये लास्ट लाइन, आप चाहे तो इसको मार्क कर लें। ठीक है, जिन लोगों के पास ऐसी अखलाकी कुव्वत है मौजूद है उनसे लड़ना खुदकशी के मुतरादिफ है। सवाल नंबर पांच लिखे, सलीबी जंगें क्यों लड़ी गई?
सवाल नंबर 5 है, सलीबी जंगें क्यों लड़ी गईं? सलीबी जंगें बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए, सलीबी जंगें बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए मुसलमानों कौमा यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान लड़ी गईं। सलीबी जंगें बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए मुसलमानों कौमा यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान लड़ी गईं। ठीक है बेटा, बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाने के लिए लड़ी गई थी ये सलीबी जंगें। अच्छा, अब इसका हमारे पास टाइम सिर्फ 2 मिनट्स है, इसका भी किरदार निगारी भी रहती है, इस ड्रामे का खुलासा भी है, और आज का जो होमवर्क है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। क्लास 8 ये तमाम काम जो ना आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगी। ठीक है, ये सवाल जवाब आप लोगों का, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की किरदार निगारी और इस ड्रामे का खुलासा, ये चीजें व्हाट्सएप हो जाएंगी। तो आप इसको नीट हैंड राइटिंग में, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में आपने इसको नीट कॉपी पर आपने इसको लिखना है। ठीक है, खुलासा भी और किरदार निगारी भी, और घर का काम जो आपका वो ये होगा कि जुमले आपके होमवर्क में है, जुमले देखना आप लोग, सवाल नंबर 143 है, 143 पे दस्ते शफकत, शीरख्वार, भुखियारी, तफ्तीश और बंदोबस्त, इनके जुमले आपने बनाने हैं। और एक तख्लीकी काम है जो आपको उर्दू भीते करना है क्लास 8, एक अच्छा इंसान। अब देखें इसमें सफा नंबर 144 पे ये है भी, आपका जबानी इजहार में है ये, पेज नंबर 144 पे भी ये है। अब आपको लिखना ये है कि एक अच्छे इंसान को किन बुनियादी खूबियों का हामिल होना चाहिए, अपनी राय को आपने इस तरह तहरीर करना है कि अच्छा सा मजमून इससे बन जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा जो किरदार निगारी आपको मैं दूंगी लिखकर, व्हाट्सएप करूंगी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की, वो आपकी मदद करेगी। उस किरदार निगारी की मदद से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि एक मुसलमान हुक्मरान अगर ऐसा हो सकता है तो एक अच्छे इंसान को भी जो है वो किन खूबियों का हामिल होना चाहिए। देखिए, इंसान को सबसे पहले अच्छा इंसान होना चाहिए, अगर वो अच्छा इंसान है तो वो लाजमी तो अपने एक अच्छा मुसलमान भी होगा। ठीक है, अब बताएं आप लोगों को, क्लास 8 1 by 1 क्या कह रहे हैं आप बेटा, लिखना क्या, लिखना क्या।